विधान परिषद में हुआ बड़ा उलटफेर, जीत कर भी हार गया महागठबंधन। बीजेपी ने छीन ली जेडीयू की कुर्सी, सम्राट चौधरी का सीएम पद पर दावा। सम्राट चौधरी ने कुर्सी पर बैठते ही दे दिया महागठबंधन को करारा झटका। बिहार विधान परिषद के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच बराबरी पर छूटा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि महागठबंधन अपनी 2 सीट हार गया। बीजेपी के हाथ से भी 1 सीट फिसती, लेकिन उसने 2 सीट महागठबंधन से छीनकर नुकसान ही पूरा नहीं किया बल्कि फायदे में आ गई। बीजेपी ने 1 सीट आरजेडी से तो दूसरी जेडीयू से छीनी है। इस परिणाम से विधान परिषद के अंदर के समीकरण भी बदल गए। अब बीजेपी विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जबकि जेडीयू 24 से घटकर 23 पर आ गई है। जेडीयू के पास 3 सीट थी, चुनाव में 2 पर ही उसे जीत मिल पाई, 1 सीट उसके हाथ से निकल गई। विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विधान परिषद में उसके पास सिर्फ 14 सीट है। चुनाव परिणाम से महागठबंधन खेमे मायूसी दिख रही है, तो बीजेपी कार्यालय में ढोल बज रहे हैं। सम्राट चौधरी को पिछले महीने ही बीजेपी की कमान मिली है। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पहली परीक्षा थी और पहली ही परीक्षा में उन्होंने टॉप कर दिया है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी महागठबंधन को बराबरी की टक्कर देगी, इसकी उम्मीद बीजेपी हाईकमान को भी नहीं थी। लेकिन अब सम्राट दावा कर रहे हैं कि नीतीश के सीएम पद पर दिन पूरे होने वाले हैं। बिहार में 7 दल का महागठबंधन हो या 20 दल का, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता है सब जानती है कि महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों का चरित्र कैसा है, अपने शासन काल में उन्होंने बिहार को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है। जनता ने हाल ही में हुए विधानसभा के उपचुनाव में भी महागठबंधन को बड़ा संदेश दिया है। उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी सीट को बचाया ही, कुड़नी सीट महागठबंधन से छीनकर बता दिया कि लहर किसकी ओर चल रही है। बीजेपी ने सीट तो मोकामा की भी जीत ली होती, लेकिन वहां मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार से था, जिसका अपना व्यापक प्रभाव था। साफ है, सम्राट का इशारा अनंत सिंह की ओर था, जिन्हें मोकामा में छोटे सरकार भी कहा जाता है। लेकिन अनंत सिंह के सामने भी मोकामा में बीजेपी को मिले 63,000 से अधिक वोट। सम्राट का दावा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर कमल तो खिलेगा और एक साल बाद 2025 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज की तारीख में विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री कई उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई नेता पीएम की उम्मीदवारी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला था। सम्राट चौधरी से ज्यादा अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया था। सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि को भी नजरअंदाज किया कर दिया गया था, जो समाजवादी थी, और सम्राट ने भी बीजेपी में आकर खुद को भगवा विचारधारा में ढाल लिया है। सम्राट समर्थक दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी की ओर से 2025 के सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन सम्राट को भी पता है कि अभी ये जल्दबाजी है, क्योंकि 2025 से पहले 2024 का चुनाव है और ये चुनाव ही बीजेपी की संभावनाएं तय करेगा। अगर बीजेपी ने 2024 में महागठबंधन को मात दे दी तो 2025 के लिए सम्राट का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्हें समय से पहले बीजेपी सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। वैसे भी सम्राट को बीजेपी नीतीश की कार्ड के मतौर में मैदान में उतारा है। सम्राट को नीतीश की कोयरी कुर्मी समीकरण में सेंधमारी के लिए पार्टी ने आगे बढ़ाया है और इसकी परीक्षा भी लोकसभा चुनाव में ही होनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। ऐसे में अगर एनडीए एक बार फिर 30 सीटों से करीब पहुंच जाता है तो इसे सम्राट चौधरी का करिश्मा ही माना जाएगा।